नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हरियाली तेज व्रत की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हरियाली तेज व्रत कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उनके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर नारद मुनि ने भगवान विष्णु के सामने कहा, प्रभु, महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर नारद जी माता पार्वती के पास पहुँचे और नारद जी ने उन्हें सूचना दी कि आपका विवाह आपके पिता ने भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नज़रों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र के भाद्रपद शुक्ल तृतीया का दिन था। माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी जिस दिन। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनके इस कठोर तप करने के से भगवान से बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया था। अगले दिन उनकी सखी के साथ माता पार्वती ने अपने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु जी को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए दिए गए वचन के बाद और उधर पुत्री घर छोड़कर चली गई, तो उससे राजा जो हिमाचल थे बहुत व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थीं। उसके बाद माता पार्वती ने घर छोड़ने का कारण अपने पिता को बताया और भगवान शंकर से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। तब माता पार्वती के पिता हिमालय ने माता पार्वती का विवाह करने की अनुमति दे दी कि माता पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ और पूरे विधि विधान के साथ उनका विवाह करवा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान के साथ करवा दिया। इस दिन जो भी महिलाएं पूरे विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं वे मनचाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी किया जाता है।